focus to some national news. It's a big saffron sweep in the northeast. The Bharatiya Janata Party and its allies have crossed the majority mark and emerged victorious in Tripura and Nagaland. And they'll form a government with the NPP in Meghalaya. Meghalaya Chief Minister Konrad Sangma has thanked the BJP for reaching out to the NPP for extending their support to form their government. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi joined the supporters at the BJP headquarters in New Delhi after the party's stellar performance in the northeast. During his address, he thanked all the party workers in what can be seen as an attack on the opposition. The PM said that the minorities were made fearful, but the BJP for years, but people of Goa and now from northeast have exposed the propaganda. Let's take a look at what he had to say. सभी जानते हैं कि कुछ विरोधी दलों ने और उनके इकोसिस्टम ने हमेशा भाजपा पर एक लेबल चिपकाने की कोशिश की है। साथियों, हमारे यहां बरसों तक माइनॉरिटीज को भी बीजेपी का डर दिखाया गया, देश विदेश में प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी। साथियों, मैं ज्यादा तो टीवी देख नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब तक मैंने देखा नहीं है कि ईवीएम पर कोई गाली पड़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई। ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है। सरकारें कठिनाइयों से बचती रही और इसकी वजह से हर परियोजना में देरी होती रही है। हमने इन परियोजनाओं को पूरा किया और लगातार मेहनत कर रहे हैं। छोटे राज्यों को इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हमेशा देश के गरीब को छोटा समझा। बीजेपी को बनिया पार्टी कहा गया, हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया, फिर कहा गया कि बीजेपी सिर्फ शहरी मिडिल क्लास की पार्टी है और गांवों में कोई आधार नहीं है। समय के साथ इन सारे मिथकों को बीजेपी ने तोड़ दिया। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कमल पुनः खिलने पर आज हम सबके बीच में विजय उत्सव मनाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनका कुशल और निर्णायक नेतृत्व का परिचय इस देश ने इस चुनाव के रिजल्ट्स में देखा है। देश की जनता आज संतुष्ट है और जो विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसका परिचय त्रिपुरा की जनता ने फिर एक बार दिया है। They are good results. Party's done extremely well, and which also goes to say that सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. So everyone is participant in the progress in democracy. Really respect, and I'm very happy with the verdict of the people. So secret is listening to what the people of the constituency want, listening to their problems which they have been facing for years and with no solution ahead. So giving them solutions. हमारी सरकार 2018 में बनी थी जिसमें 40 सीट एनडीपी पे लड़ी थी और बीजेपी 20 सीट, हम 12 सीट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी अभी तक, जो हमारे पास जानकारी मिली है, और दोनों मिला के करीब 38-40 सीटों के बीच में रहेंगे। 5 साल में जो काम शुरू किए, जहाँ विकास हुआ है, यहाँ डबल इंजन गवर्नमेंट के तहत केंद्र में मोदी जी, यहाँ पर रियो साहब के नेतृत्व में जो काम हुए, अब उसे बढ़ाकर और अच्छे रूप से यहाँ नागालैंड की जनता के सामने उनकी सेवा करनी है। और हम मानते हैं कि नागालैंड में विकास को लेके एक ही ऐतिहासिक सरकार रही। बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जीत प्राप्त कर रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उसका सिंपल रीज़न है मोदी जी ने जितना काम किया लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये फॉर्मूला यही है। I must congratulate the people of Meghalaya. We just started before 6 months ago, and we have got 15% vote. It will help me for my national party status, and it is the principal opposition. So I congratulate the Meghalaya people. Next, we will do better from this time also. The way the people of Meghalaya was bestowing